पिछले दिनों नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी निर्मम हत्या करके शव को पानी में फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद लगातार परिजनों के ऊपर स्थानीय मुखिया व प्रशासन के द्वारा पानी में डूबने की बात कहकर दबाव बनाया जा रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय जनता दल का एक शिष्टमंडल बुधवार को पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा और हर संभव सहायता और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं परिजनों से मुलाकात करने के बाद राजद के पूर्व विधायक व प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा बिहार शरीफ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने इस मामले की जांच को लेकर SIT गठन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों को पकड़ने की जगह पीड़िता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सुशासन बाबू की सरकार में ना तो पुलिसिंग बचा है और ना ही कानून का राज है। राजद यह मांग करती है कि इस केस का स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द इस मामले में जो भी आरोपी हैं उसे गिरफ्तार किया जाए, तो उसे अवगत कराएगा ताकि न्याय मिले, SIT गठित हो, अपराधी के घर में पुलिस जाना चाहिए, तो जा रहा है पीड़िता के घर पुलिस रोज जाकर दबाव बना रही है। ये कौन सी पुलिसिंग है, कौन सा कानून का राज है भाई। इसलिए मेरी मांग है कि स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द उन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और उन पुलिस पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जबरन FIR कानून बनाने की कोशिश की है। उच्च अधिकारियों के ही खिलाफ होनी चाहिए, पुलिस कप्तान को देखनी चाहिए कि कौन से अधिकारी इन परिजनों पर दबाव बना रहा है। ये सारे बकायद होने चाहिए, बाकी चीज़ें हम राज्य सरकार के पास इन दस्तावेज को रखेंगे।